हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंडर वाला टॉपिक समझाया है, आई होप आपको वो अच्छे से क्लियर है। फिर भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूँ और आपको वो प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी, तो आज हमारा उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक है, उसी के अंदर जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है उसी के अंदर सब टॉपिक्स देखिए आए हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख रखा है, इफ व्हेन देयर इज ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बट विद नो प्रोसेस लॉसेस। अब इसमें क्या चेंज आया है, देखिए लिख रखा है ध्यान से, इसमें हमें जहाँ बाकी समझ में अभी तक हमें क्या आता था, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस था। उससे उस जो इससे पहले वाला सम किया उसमें क्लोजिंग भी था और हमारे पास नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस भी था। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें हमें हमारे पास ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग आएगा बट विद नो लॉसेस, कोई लॉस नहीं होएगा बट ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होंगे। अभी तक हमने ऐसा कोई सम फेस नहीं किया जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों हो। ठीक है, तो इसमें कुछ बता रखा है, ये लाइंस लिख रखी है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, देयर विल बी ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस विच आर टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट ऑफ कंप्लीट यूनिट्स ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ प्रोसेस। कुछ नहीं, कुछ सिंपल सी लाइनें लिख रखी हैं, आप रीड करोगे आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, उसके आगे यहाँ पे बता रखा है कि इसको जो वर्क इन ओपनिंग या वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है, इसको फाइंड करने के फॉलोइंग वेज डिपेंडिंग अपॉन द अजम्पशंस मेन रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ कॉस्ट। फॉलोइंग मेथड्स हैं एवरेज कॉस्ट मेथड, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज, दी डिस्कशंस वन बाय वन इन द फॉलोइंग। आज की वीडियो में हम लोग एवरेज कॉस्ट मेथड को समझेंगे और उसका एक प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस एंड इट्स कॉस्ट आर मर्ज विद द प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन है, ध्यान से सुनिएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड इट्स कॉस्ट, जो ओपनिंग की जो हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू है और उनकी जो कॉस्ट है मटीरियल वगैरह की, वो प्रोडक्शन वाला अकाउंट जो हमारा पहला अकाउंट बनता है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, उसमें मर्ज मतलब उसमें नहीं आएंगी। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ करंट पीरियड रिस्पेक्टिवली एंड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज, इसको हम कब डिटरमाइन करेंगे, जो हमारी ये ओपनिंग वाली हमारी निकले इसमें हमें गिवन होएगी, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय द टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स। अब जब हम डिवाइड वाला मेथड लगाएंगे ना, इसके अगला होता है जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के बाद इक्विवेलेंट ऑफ कॉस्ट, उसमें हम ओपनिंग वाले को भी लेके चलेंगे। जब हम एग्जांपल करेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है ये चीज़। ठीक है, दिस मेथड इज़ यूजफुल, बाकी आगे ऐसे ही लाइंस लिख रखी हैं। तो हम हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक लाइन थी मैंने आपको समझानी थी वो मैं समझा चुकी हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल देखिए क्या लिख रखा है, कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पहले देखिए, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है 2000 यूनिट्स का, और ये जो मटेरियल गिवन है ये ओपनिंग से रिलेटेड है, ओपनिंग से रिलेटेड मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ठीक है, उसके बाद यूनिट इंट्रोड्यूस इनटू द प्रोसेस 8000 टोटल यूनिट इंट्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है जी, टोटल 8000 यूनिट इंट्रोड्यूस हुए हैं और 2000 ओपनिंग है, ये इन्होंने बता दिया। अब यहाँ तक आप अभी इसको ना भूल जाओ एक तरह से। ठीक है, यहाँ तक एक तरह से अभी भूल जाओ कि हमने रीड किया। उसके आगे देखते हैं पुराना मेथड जो अब तक हमने लगाया है, क्योंकि हमने अभी थ्योरी में क्या पढ़ा कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में ओपनिंग को हमने मर्ज मतलब नहीं लेके चलना है। ठीक है, तो छोड़ दो अभी के लिए उसके। यहाँ पे देखो, देयर आर 2000 यूनिट्स इन प्रोसेस, जो 2000 यूनिट्स इन प्रोसेस में अगर कोई चीज़ है तो उसको हम क्या लिखते हैं, WIP। तो देखिए, क्लोजिंग WIP 2000 यूनिट्स की। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्या लिख रखा है, मटेरियल की परसेंटेज दे रखी है 100%, लेबर की 50 एंड ओवरहेड्स की 50। किसमें लगती है, WIP पे परसेंटेज चेंज होती है, मटेरियल पे 100, लेबर एंड ओवरहेड्स पे 50%। उसके बाद 8000 यूनिट्स वर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, 8000 यूनिट अगर नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो रहे हैं दैट मीन्स फिनिश्ड एंड ट्रांसफर में आएंगे, तो उसको लिख के यहाँ पे परसेंटेज तो 100 ही रहती है, ऑब्वियस है। ये हमारा जस्ट जैसे हम सिंपल बनाते हैं बना लिया। ठीक है, इससे अगला अकाउंट जो होता है उसमें क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे ये मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स होता है उसको इसके टोटल यूनिट्स के साथ डिवाइड करते हैं। ठीक है, एम आई करेक्ट, इसको हम इनके साथ डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। अब इस सम में हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि टोटल को डिवाइड करना है। टोटल कैसे बनेगा, जो ये 1 लाख मटेरियल का ये और 7500 मटेरियल का ये, आप इसको करोगे पहले ऐड, देन करोगे डिवाइड बाय 10,000, देन आएगी आपकी कॉस्ट पर यूनिट। आई थिंक आपको समझ आ गया मैंने क्या समझाना चाहा यहाँ पे।
यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने वे चेंज करके बना रखा है, आप अपने ओल्ड वे से जैसे मेथड से हम बनाते हैं वैसे ही बनाना। देखो 1 लाख में 7500 को ऐड किया, 1,75,000, देन उसको डिवाइड किया 10,000 से, देन इनका आया 10.75। सेम प्रोसेस इन दोनों में भी, ठीक है। देन आपका कॉस्ट पर यूनिट आई थिंक अब इजीली निकल आएगा। अब आप इनको तीनों को ऐड करके अपना कॉस्ट पर यूनिट की टोटल फाइंड आउट कर लोगे। देन स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन जो इससे नेक्स्ट अकाउंट बनता है, उसमें हम क्या करते थे, जो आउटपुट फिनिश स्टॉक के हैं हमारे यूनिट्स हैं और जो हमारे उनके क्लोजिंग के यूनिट्स हैं, देखिए ये वाले यूनिट्स देखते थे हम, ये देखिए ये मटेरियल और वेजेस में यूनिट सेम है, तो 8,000 को मल्टीप्लाई जो हमारे रेट पर कॉस्ट पर यूनिट निकली है वो, और उसके बाद 1,000 दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए पहले 8,000 था, देखिए 8,000 मल्टीप्लाई जो हमारा कॉस्ट पर यूनिट निकला 24.25 करके हमारा 1,94,000 आ गया ट्रांसफ़र की। उसके बाद जो WIP है 2,000, 1,000, 1,000, इसको आप पर यूनिट लोगे, मतलब पर के अकॉर्डिंग, मटेरियल की अलग, लेबर की अलग और ओवरहेड्स की अलग, तो अलग अलग लेके ये भी कर ली 35,000। अब ये मत फिर से सोचना कि इसका कोई यूज़ नहीं है, डिट्टो लास्ट सम वाला सीन रिपीट हो रहा है जो हमने लास्ट में किया था। बस यहाँ पे क्या चेंज आई, यहाँ पे आपका ओपनिंग ऐड हो गया, एक ओपनिंग 2,000 यूनिट्स हैं, और जो ये अमाउंट आया है जो उसके बाद मटेरियल वेजेस ओवरहेड्स वगैरह आपको दे रखे हैं, उन तीनों का अमाउंट्स का टोटल करोगे तो आपका ये भी अमाउंट आ जाएगा 12,000, ठीक है जी। WIP का अमाउंट भी आ गया, उसके बाद मटेरियल भी हमें गिवन है, लेबर भी, ओवरहेड भी। फिनिश स्टॉक देखिए अभी अभी मैंने यहाँ पे निकाला 8,000 यूनिट्स के लिए 1,94,000, तो 8,000 यूनिट्स के लिए 1,94,000, एंड देन WIP यहाँ पे आप यूनिट्स में कन्फ्यूज़ हो जाओगे, बट अमाउंट आपको यही उठाना है 35,000। अगर आपका अमाउंट मैच कर गया बोथ साइड, अगर आपका अमाउंट मैच कर गया तो आप यूनिट्स को प्लस माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपके अमाउंट में प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। आई थिंक आपको ये मेथड मेरा क्लियर है जो मैंने एवरेज समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट है हमारा फीफो मेथड, और उसमें देखूंगी अगर कुछ ज़्यादा चेंज हुआ तो उसको करेंगे, अदरवाइज नहीं। वैसे आपने लिफो फीफो लास्ट सेम में भी कर रखा है, कुछ आई थिंक चेंज होना नहीं चाहिए खास, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगी, अगर ज़्यादा चेंज हुआ तो आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। बाय बाय गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।